बिहार पंचायत चुनाव 2021 और आज दसवें चरण के लिए नामांकन का प्रक्रिया गौराबोराम प्रखंड में चल रहा है, जहां तीसरा दिन रहा और लगातार जो है लगातार जितने भी प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, मुखिया, सरपंच और जिला परिषद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। फिलहाल हमारे बीच मुखिया के प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किए हैं। आज मनसारा पंचायत से महिला उम्मीदवार है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आरक्षण में महिला उम्मीदवार का सीट आया है और इसलिए महिला उम्मीदवार है। वैसे तो मुखिया के प्रत्याशी जो है उनके पति हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी खास बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले जो हमारे उम्मीदवार हैं जिन्होंने आज नामांकन का पर्चा दाखिल किया है, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। साइमा बानो। अच्छा, आप किस पद के लिए नामांकन कराए? मुखिया पद के लिए। किस पंचायत से? गौराबोराम। अच्छा, तो क्या इस बार किस उद्देश्य से आप चुनाव के मैदान में आए हैं? मुखिया पंचायत के चुनाव में आए हैं, पंचायत के विकास के लिए। चलिए, साइमा बानो आज नामांकन का पर्चा दाखिल की है गौराबोराम प्रखंड में। फिलहाल महिलाओं का ये सीट है, इसलिए महिलाओं के लिए रिजर्व है, यानी मनसारा पंचायत में। हमारे बीच मुखिया के पति हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मशकूर आलम हुआ जी, और मनसारा के रहने वाले हैं। मनसारा पंचायत राज मनसारा से नामांकन। अच्छा, नामांकन के बाद आपका कोई खास उद्देश्य होगा, किस उद्देश्य से चुनाव के मैदान में आप आए हैं? देखिए, मनसारा पंचायत में अभी बहुत सारा काम, रोड, नाला, सबसे बड़ा काम करना है नाला का। नाला के वजह से मनसारा गांव में, खास करके मनसारा गांव में बीच सड़क पे बहुत सारा पानी जाम रहता है, जिसके वजह से पानी का निकासी नहीं होने के वजह से पानी लगा हुआ है। उसी के तहत क्या बोलते हैं, नाला, सबसे पहले नाला बनवाना है मनसारा में, जल जमाव की समस्या। जी। तो आप पहली बार नामांकन कराए हैं मुखिया? जी जी, पहली मर्तबा। तो क्या कहेंगे, महिला उम्मीदवार है तो इनके साथ किस तरह आपको इनके प्रतिनिधि बनकर काम करना होगा? जी, तो क्या कुछ जनता को मैसेज देंगे आज नामांकन के बाद? कितना उत्साह है, आपके जो समर्थक है वो लगातार हमारे पीछे मौजूद है, महिलाएँ भी कुछ इधर है जो नामांकन में आई हुई है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग हमें कामयाब करें, इंशाल्लाह मनसारा पंचायत के लिए मैं इंशाल्लाह अच्छा काम करूंगा। सबसे पहले नाला, रोड और बहुत सारा समस्या है, उसके तहत मैं काम करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी मनसारा पंचायत में आपने कहा बहुत सारे समस्या है, फिलहाल नामांकन करा के आए हैं, बहुत जो समर्थक हैं इनके, जो जन समर्थन है वो आपको दिखने को मिल रहा है, काफ़ी उत्साह है आपके समर्थक? बेशक, बहुत उत्साह, बहुत, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी हमें, मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मशकूर आलम हाजी साहब हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि इस बार मनसारा पंचायत में बदलाव होगा, यानी मनसारा पंचायत की जो जनता है वो बदलाव की ओर है। फिलहाल कुछ समर्थक हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुर्तुजा जी। आज आपके बीच महिला प्रत्याशी है मनसारा पंचायत से, साइमा बानो जी, क्या कहेंगे आप? इनके बारे में यही कहना है कि इन्हें ईमानदार समझ करके इनको लाया गया है, महिला उम्मीदवार है और काम करने वाली है, क्षेत्र का विकास करेगी, क्षेत्र में समस्या ही समस्या है मनसारा पंचायत में, इसलिए सारा समस्या का समाधान इनके मार्फत होगा और लोगों ने, जनता ने जो है सो पंचायत का इन पर विश्वास किया है, इसलिए भारी मतों के साथ आकर के इनको यहाँ आज नॉमिनेशन कराया है और सब उम्मीद रखते हैं कि ये जीतने के बाद पूरा काम करेंगे, विश्वास है, यही कहना है। चलिए, बिहार पंचायत चुनाव बड़ा दिलचस्प चुनाव होता है, क्योंकि पंचायत में कई सारे प्रतिनिधि हमारे बीच होते हैं, कई सारी प्रतिनिधि के साथ हमारा चुनौती भी होता है, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे भी होंगे जिनके साथ चुनौती होगा। हाजी साहब, एक और सवाल अंत में है कि आपके साथ किसी का चुनौती भी है, चुनौती भी होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी अभी नामांकन करा के आपके बीच में आएंगे, और तब आपको किस तरह उनके बीच में रहना है और उनसे किस तरह आपको? कोई चुनौती नहीं है इंशाल्लाह, बहुत भारी मत से जीतेंगे, किसी से चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं, यानी इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, एकदम भरपूर समर्थन है। अच्छा, और हर बस्ती से आपके जनता को किस तरह विश्वास हो आपके ऊपर? जी, कैसे भरोसा हो? पूरा भरोसा है, इसलिए भरोसा है कि वो लोग खुद हमको लाए हैं इस फील्ड में, भरोसा किए हैं इसके लिए हमको लाए हैं, भरोसा नहीं रहता तो हमको लाते नहीं, भरोसा कर करके ही हमको लाए हैं। इसलिए इस पंचायत में 8 गाँव हैं और 8ों गाँव के लोग हमको चाह रहे हैं और चाह कर करके ये हमें लाए हैं, इंशाल्लाह कामयाबी।
होगी। बिहार पंचायत चुनाव में एक और बड़ा दिलचस्प बात होता है क्योंकि महिलाएं सीट हो जाती है, रिजर्व हो जाती है महिलाओं के लिए, तो महिला उम्मीदवार होते हैं। ऐसे में प्रतिनिधित्व जो करना होता है वो कहीं ना कहीं उनके पति को करना होता है या फिर उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनको करना होता है। ये बड़ा दिलचस्प होता है कि एक ही घर में या एक ही पड़ोसी में कई प्रत्याशी बन के सामने चलाता है, तब बड़ा चुनौती होता है। लेकिन हाजी साहब का कहना है कि हमारे सामने इस तरह की अभी तक कोई चुनौती नहीं है, अगर आगे कोई चुनौती होगी तो शायद उसे लड़ने में आप सक्षम हैं। इंशाल्लाह जी। और जनता का एक बड़ा समर्थक है, बड़ा सपोर्ट रहा है इनके साथ, और मनसारा पंचायत सीधे गोराबोराम प्रखंड पर आए, और इस वक्त मैं खोड़ागाछी के मैदान में हूँ जहाँ पर इनका एक सभा है, छोटा सा आयोजन की गई है और जनता है उनसे। चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कह रहे थे, गुनगुना रहे थे, बोलिए। मेरा नाम सादुल्ला हुआ जी, थोड़ा इंद्र कुमार। मनसारा पंचायत में 4-5 साल से मुखिया जी रहा, दूसरा कोई काम नहीं हुआ। पंचायत को हर गांव से गांव को जोड़ना है, इंशाल्लाह इस बार हमारे मुखिया जी जीत जाएंगे तो हम हर काम को अंजाम देंगे। अच्छा, पूरे मनसारा पंचायत के जो जनता है वो एक ही उम्मीदवार को चुने हैं या और भी कई उम्मीदवार आ रहे हैं? नहीं, यही उम्मीदवार को चुने, अभी तो हर जगह उम्मीदवार तो बहुत है लेकिन ये कैंडिडेट को ही चुने हर गाँव के।